हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में एक नई तरीके की खीर की रेसिपी शेयर करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये खीर बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं कि हम आपके साथ किस चीज की खीर शेयर करेंगे, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी की खीर। तो चलिए पूरी की खीर बनाना शुरू करते हैं, साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। तो पूरी की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है और अब हम इसे कट करके एक कढ़ाई में डाल देंगे और कढ़ाई को गैस पे रख के गैस को ऑन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया है और कढ़ाई को गैस पे रख करके गैस को ऑन कर दिया है। अब हम दूध में एक बॉयल आने का इंतजार करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक दूध में बॉयल आ रहा है, चलिए हम पूड़ियों को तोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दोपहर में पूड़ी बनाई थी वो बच गई है, उसमें से मैंने दो पूड़ी ले ली है और अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब चलिए हम दूध को देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स, दूध में एक बॉयल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दूध को अभी हम थोड़ा और पकाएंगे, मतलब दूध को हमें अभी इतना पकाना है कि दूध अपनी मात्रा से कुछ कम हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध अपनी मात्रा से कुछ कम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे पूड़ी जिन्हें हमने तोड़ के रखा है और इसे हम मिक्स कर देंगे और पूड़ियों को हम दूध में अब पका लेंगे। चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर एक पिंच हल्दी डालेंगे, क्योंकि दूध और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्दी होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक पिंच हल्दी डाल दी है और इसे हम मिक्स कर देंगे। हमने दूध को बहुत ज्यादा इसलिए गाढ़ा नहीं किया क्योंकि जब हम दूध में पूड़ी डालेंगे तो दूध धीरे धीरे अपने आप ही थिक हो जाएगा और दूध में पड़ी हुई पूड़ी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, पर हम इसे एक ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क का यूज नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध देखिए कितना थिक हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे मखाने जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है। मखाने क्रश करने की वजह से दूध बहुत जल्दी और थिक हो जाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, ये देखिए, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे और खीर को हम अभी चीनी के घुलने तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मखाने की मात्रा को आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर में चीनी घुल चुकी है और खीर भी काफी थिक हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। और मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिन्हें हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पर बादाम, काजू और नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें खीर में डाल देते हैं। ये देखिए, हमने इन्हें खीर में डाल दिया और इन्हें मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, खीर बनकर रेडी हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई इलायची। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। क्रश की हुई इलायची डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश हम गैस को ऑफ करने के बाद ही डालेंगे, नहीं तो दूध फट सकता है। और किशमिश डालने के बाद अब हम खीर को 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो इलायची का अरोमा है वो खीर के अंदर ही रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम खीर को चेक कर लेते हैं और ये देखिए, अभी खीर ये रखने से और थिक हो जाएगी, लेकिन ये खीर गरम गरम ही अच्छी लगती है,
तो चलिए अब हम खीर को सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी की खीर बनकर रेडी हो गई है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये खीर बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये पूड़ी के खीर की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।